जी नाज़रीन, आज मैं आपको जो बताने चीज जा रही हूँ ये सदियों से आजमूदा नुस्खा है। सदियों पुराना, बहुत पुराना, और ये समझें कि ये नचोड़ है, तमाम तावीज़ों का नचोड़ है। इसमें सबसे पहले ये हुब के लिए आपको एक नक्श तैयार करना है। ये नक्श आपने उल्लू के खून से जो है उसको लिखना है, और इसको लिखने के बाद फलां बिन फलां अला हुब फलां बिनते फलां लिखना है, फलां बिन फलां अला हुब फलां बिनते फलां। इसको बड़ी ही ध्यान से आपने इसको तैयार करना है, और इसको आपने अरूज माह में बनाना है, चाश्त के वक्त में बनाना है। मुंह में मीठा डाल के दाएं जानू पे रख कर आपने इसको बनाना है, और दाएं हाथ से बनाना है आपने। और आपका मुंह मशरिक की तरफ होना चाहिए, तसव्वुर ये होना चाहिए कि महबूब आपके सामने बैठा हुआ है। अब नाज़रीन, इस तावीज को आपने लेना है, महबूब के पहना हुआ कोई भी कपड़ा ले लें, चाहे बनियान है उसकी, चाहे उसका कुछ है, धुला हुआ ना हो वो ले लें, अपने नाखून ले लें, और अपनी बाई बगल के बाल ले लें। इन सब को इकट्ठा आपने जलाना है इस तावीज समेत। जलाने के बाद उसकी राख को आप एक बोतल में डालकर रख लें, और खाने के वक़्त महबूब को उसकी राख थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करवाते जाएं। महबूब आपके सिवा सारी दुनिया को भूल जाएगा, ये बात पक्की है। थैंक यू।